Now see, in this question, if x comma y comma z are all different, and if x x square 1 plus x cube, y square 1 plus y cube, z z square 1 plus z cube equal to 0, you have to prove that x y z equal to minus 1. Means the value of x y z which are in a product, now its answer must come at minus 1. Now I mean, 1 plus z cube, अब जरा यू सी आपका नाम प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ देखेगा. इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सम कॉमन कॉलम और रोज सम कॉलम एंड रोज इज द सम ऑफ द टू टर्म्स देन द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स वन कंटेनिंग ओनली द फर्स्ट वन कंटेनिंग ओनली द फर्स्ट टर्म्स in place of each term and other only the second term. वो वाली आपके ना property number fifth आपके लग गए. It means कि determinant is equal to देखो आपके ना this आपका x देखो x square this is one देखिए आपके ना this is it. Now y square one z square one. The first element before this plus sign will go in the first determinant and this plus you have to use here. Then there is no change into this one. No change. This z upon either this x square, y square, z square, and this the second term will be you are up now. This. Clear? अब देखिए अभी मैं शॉर्ट में बिल्कुल नहीं मारूंगा. लोग कह रहे शॉर्ट में वीडियो बनाओ. कहां से बनाओ? खाली पास थोड़ा करवाना बच्चों. देखिए x x x x कॉमन इन आर वन देखिए y कॉमन इन आर टू एंड z कॉमन इन आर थ्री. यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट कंबाइन x y z इन कॉमन इन आर वन आर टू आर थ्री ये लिख सकते हैं आप करा. देखो यहां तो मैंने आपको अप्रोच ये किया. देखो दिस x y z कॉमन ये लिया इक्वल टू जीरो. इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपका कि यहां लगा रहे आपका मैंडेटरी नहीं है. व्हेन ऑल एजुकेशन विल बी डन एट लास्ट यू कैन पुट द जीरो देयर. आप वहां भी रख सकते हैं. और अगर यहां इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं इक्वल टू जीरो तब भी कोई चिंता की बात नहीं है. याद रखिएगा. और नहीं भी कर रहे कोई ये नहीं कह सकते यार क्यों नहीं लिखा लास्ट में लिख रहे हैं. दिस इज वन वन टू वन दिस इज एक्स वाई जेड एंड दिस एक्स स्क्वायर कुछ कुछ लग रहा है आपको कुछ लग रहा है आपको जरा चेक करिए. व्हाट यू आर लुकिंग क्या दिखाई दे रहा आपको? ओके तो कैन आई डू दिस सी टू एस ऐसे कर सकता हूं इंटरचेंजिंग सी टू को कर सकता हूं. सी टू देखो दिस इज से थे राइट. देखो दिस ये क्या हुआ दिस एक्स देखिए वाई जेड दिस इज वन वाई वन एंड दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. Am I right, sir? Now, look, this is plus x, y, z. Look, x, y, z. And this is no change into this one. You write it as it is. बस थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है बाकी कुछ नहीं है सर. वेरी इजी सब्जेक्ट. जब मेरे जैसे आदमी के लिए पेनफुल नहीं हो पा रहा देखिए आपका नाम जो मैं अभी आपके बाद टेंथ फिर इलेवेंथ और फिर आपका नाम नाइन्थ आप पढ़ाऊंगा तो देखो आपका नाम आपको बहुत
determinants are same. 1, 1, 1, 1, 1, 1, x, y, z, x square, y square, z square, x, y, z. Clear? Can be taken. अब इसको कॉमन ले सकते हैं. इधर ना कॉमन आएगा सर. कोई शक? पढ़ें. जो पहले से कॉमन एक्स वाई जेड था वो मैं. कौन सा? एक्स वाई जेड. अभी तो अभी कहाँ अभी तो देखो ये दोनों कॉमन आ गए. अभी तो आप ये देखो तो व्हेन इट इज कमिंग तो देखो ये आपका वन प्लस आया नहीं आया. क्लियर है? अब तो कोई तकलीफ नहीं. आप क्या करो अभी इसको थोड़ा सा इसकी पोजीशन को साउंड करिए. वी हैव टू मेक द साउंड पोजीशन ऑफ दिस वन. अरे आर वन इज इक्वल टू इसको ऐसे थोड़ा ना देंगे अगर इक्वल टू जीरो अगर आपने कर भी दिया तो क्या हो गया. इक्वल टू जीरो आप अभी नहीं कर सकते. अब जरा याद करिएगा जरा क्वेश्चन देखिएगा. आपका नाम फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज वन देखो वन 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 क्या था ए ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही था कुछ ऐसे ही था. एंड द आंसर वाज कमिंग ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए यही था. चले इसको भी कैलकुलेट करके देखो. इसीलिए दिस इज अकॉर्डिंग अगर ये बाय द वे दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन ए बोर्ड आपको ये पूरा करना पड़ेगा. यू हैव टू मेक टू जीरोस दो जीरोस आपको करना पड़ेंगे. तो जैसे आर वन आपका आर वन इक्वल टू आर वन माइनस आर टू ये देखो आपका नाम. एंड दिस आर टू इज इक्वल आपका देखो आर टू माइनस दिस आर थ्री आप कर दीजिएगा. ये देखिए तो नाउ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल वन माइनस वन दिस इज एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज वन माइनस वन दिस इज वाई माइनस जेड दिस इज वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. देखिए वैसे तो मैंने यहां पे ही लिख दिया था लेकिन कुछ भाई लोग जो देखेंगे वीडियो को बात को उनका ये कैसे हो गया आपको तो पता है. आपने तुरंत अपनी कॉपी घर जाकर के ऑफलाइन वाली देखी. अरे आपने कहा ये तो मैंने किया हुआ लेकिन भाई साहब लोगों को भी पता होना चाहिए. यहाँ यू विल पुट आई डी यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह आप आई डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जीरो 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 वन एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड दिस वाज जेड दिस इज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड एंड दिस जेड स्क्वायर एंड इट विल गो कंटिन्यू अब इक्वल टू जीरो. अभी आप नहीं भी लिखते देखो मैंने लिख दिया नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं. फंक्शनिंग हम लास्ट में कर लेंगे कोई दिक्कत क्या है आफत नहीं है. आंसर मैंने यहां लिख दिया था ओके एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई देखो एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड आपका देखो ना दिस इज कॉमन सॉरी कॉमन इन आर वन एंड आर टू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस सॉरी this x minus y and this y minus z you have taken common so this is 0 0 1 this is 1 1 this is z now this is x plus y y plus z and this z is here z square okay no problem so now aur ye 1 plus x y z it's running ye chal raha hai aapka dekho now this is it clear to bas ye is bhai ab dekho ye x minus y और y माइनस z ये तो मैंने लिखा लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं. देखो आई एम राइटिंग एक्सपेंडिंग अलोंग c1 दैट्स वेरी फाइन c1 के अलोंग देखो नाउ दिस वन अभी वन हो गया व्हाटएवर यू आर लुकिंग आपका दैट विल बी रिटर्न इन
a smaller determinant. And this 1 plus xyz, xy1, x minus y, this y minus z into 1. It's going down, so it's coming in plus. ये ऊपर जाएंगे, तो देखो y से y cancel हो गया. तो ये minus में आएगा, तो z minus x हो गया. देखो this into 1 plus xyz as if given. So now all the coefficient, यहाँ पे इसका coefficient माना जाएगा. It's a binomial, it's a binomial, it's a binomial, but they all are your three, all are your means three are, yeah, all are your negative binomials. So now on the next hand, they will go below the denominators and will become the zero for your carbon. सारे zero बन जाएंगे. So that's why now you get so 1 plus x, y, z equal to 0. Now it will be executed equal to 0. So now we go x, y, z equal to minus 1. So this is henceforth. Yeah, please read.